आज हम सूजी की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाले हैं। अगर आपके घर अचानक कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका ही मन कुछ मीठा खाने का करे तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। इसके लिए बाहर के सामान लाने की भी जरूरत नहीं है, घर के सामान से ही बन जाते हैं और स्वाद में ये गुलाब जामुन को भी फेल कर दे, इतना स्वादिष्ट होता है। वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए फिर फटाफट सूजी की रसभरी बना लेते हैं। कढ़ाई रख देंगे गैस पे और इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी और आधा कप सूजी। सूजी को लगातार स्टर करते हुए 10 मिनट तक भूनेंगे। इसका रंग नहीं बदलेगा, इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसे इतना पकाना है। 10 मिनट बाद हम इसमें मिलाएंगे एक कप दूध और दूध डालते समय इसे लगातार स्टर करते जाएंगे, वरना सूजी में गांठ पड़ सकती है। तो इसे लगातार स्टर करते हुए हमें इसे पकाना है। लगभग 5 से 7 मिनट में ये सूजी जो है वो अच्छी तरह से सूख जाती है, डो फॉर्म में आ जाती है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसी हो जाती है। तो इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे और ये जो सूजी का डो है इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे और आगे हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे एक कप पानी और इसमें मिलाएंगे एक कप शक्कर। फ्लेवर के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ केसर, आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। और इसे 3 मिनट तक पकाना है, चीनी घुल जाएगी। यहाँ हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी घुल जाए इसे इतना पकाना है। और ये गाढ़ी हो चुकी है तो अब इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे। अब यहाँ सूजी का जो हमने डो बनाया था इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच मैदा और इसमें मिलाएंगे 1 चुटकी खाने वाला सोडा। खाने वाला जो सोडा है इसे 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना रसभरी तेल में टूटने लगती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे डो में भी मिक्स करके अच्छी तरह से, जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अब हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इस तरह से इसे गोल करेंगे। और गोल करते समय ध्यान रहे कि कहीं से कटा हुआ ना रहे। अगर लगता है कि आपको ये कट रहा है तो इसे और अच्छी तरह से मल करके इसे गोल बनाएंगे। और इस तरह से गोल करने के बाद हाथ से इसे प्रेस करके चपटा कर देंगे। इस तरह से हमने सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं और उसके बाद इसे गर्म तेल में तल लेना है। तेल को धीमी आंच पर गरम करेंगे। इसके बाद इसमें एक छोटा सा पीस डालकर देखेंगे, ये टूट तो नहीं रहा है, ये अच्छी तरह से ऊपर आ रहा है। इसके बाद इसमें बाकी के पीसेस डाल देंगे। और सारे रसभरी को हमने यहाँ पर 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और ऊपर से इसका रंग जो है वो सुनहरा हो जाए। तो 15 मिनट बाद आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और ये थोड़ा साइज़ में भी बड़ा हो चुका है, फूल चुका है। इसके बाद हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे। तेल से बाहर निकालने के बाद इसे हम शुगर सिरप में डाल देते हैं और इसे 1 घंटे के लिए फूलने देंगे। 1 घंटे बाद हम इसे सर्व करेंगे एक प्लेट में, ऊपर से गार्निश करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट से। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।